गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोग को शायद पता है, अगर आप लोग मेरा पहला वीडियो देख चुके हो तो आप लोग को मालूम है आज मैं जलपाईगुड़ी फिर से जाने वाला हूँ। और ऐसे मेरा जो डेली रूटीन रहता है, पेंटिंग का काम स्टार्ट किया, जो कमीशन वर्क था वो स्टार्ट किया, अभी मैं वो कर रहा था, उसके बाद नहा धा के फ्रेश हो गया। अब मैं भी जहाँ पे जॉब करती है वहां पर जाऊंगा, उसको पिकअप करूंगा, उसके बाद उसको लेके मैं जलपाईगुड़ी पे जाऊंगा, इसलिए मैंने लेट किया। ये देख लो, हम लोगों के घर पे आम का पेड़ है, आम थोड़ा बड़ा हुआ है अभी तक, थोड़ा सा ही बड़ा हुआ है, अभी तक वो पक्का नहीं है, तो पक्का होगा तो हम दिखाएंगे। कमीशन आर्ट वर्क है वो है, ये बना रहा था मैं। आपकी जो भी वीडियो होगी मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और इसका जो फोटोग्राफ है, अभी तक जो भी बना है इसका एक फोटोग्राफ भी मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा और फेसबुक पे भी, तो आप पे मेरा लिंक दिया हुआ है, जाइए फॉलो कीजिए। तो फिलहाल निकल रहे हैं हम, मालूम नहीं है कब पहुंचेंगे, ऑलरेडी लेट हो गए हम, तो देखते हैं आगे कितने बजे पहुंचते हैं और कितना आप लोगों को दिखा पाते हैं। अभी एक दिक्कत हो गई क्योंकि हम गाड़ी को हवा डालने के लिए गए थे चक्के पे, तो बोल रहा है पीछे के चक्के पे हवा नहीं जा रहा है, उसका नोजल खराब हो गया है। एक प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि आते वक्त टायर पे हवा देने के लिए गया था, तो वहां पर बोल दिया पीछे का चक्का पे हवा नहीं जा रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए गाड़ी तेज भी भगा नहीं पा रहे हैं, ऑलरेडी लेट हो गए हम। उसके बाद उसे ड्यूटी पे जाके लेके हम निकलने में थोड़ा लेट हो गए। हम लोग को मज़ा भी लग रहा है क्योंकि हम लगभग लॉकडाउन के पीरियड पे जलपाईगुड़ी हर दिन जाते थे, इसका ड्यूटी था वहाँ पर, जलपाईगुड़ी सिविल हॉस्पिटल पर इसका ड्यूटी था पहले, तो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर सिलीगुड़ी पर आई है। जलपाईगुड़ी का ऐसे भी और एक वीडियो है, तिस्ता उद्यान करके एक जगह है, बहुत अच्छी जगह है, जो जलपाईगुड़ी में रहते हैं उन लोगों को मालूम है, तो उसका भी एक ब्लॉग मैंने दिया है, आप लोग देखना जरूर, मैं आई बटन पे डाल दूंगा। ऐसे ही लेट हो चुका है बहुत, 5:30 से ओपनिंग है, तो देखते हैं हम लोग कितना टाइम तक पहुँच पाते हैं। मैं काम करती हूँ, बहुत सारा मेमोरीज है यहाँ पे, मेरा फर्स्ट कोचिंग है। अभी हम गैलरी पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे ऑलरेडी ओपनिंग हो चुकी है, तो बहुत सारे क्राउड है, बहुत सारे लोग पेंटिंग का अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। एग्जीबिशन का ओपनिंग हो गया है, बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे। अभी हम लोग बाहर जाएंगे, थोड़ा फोटो सेशन करेंगे, अंदर भी थोड़ा फोटो सेशन किया, वो सब देखने के लिए आप लोग को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा और फेसबुक पे भी फॉलो करना पड़ेगा और मेरा यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप लोग को सब आगे की जितने भी सारे मेरा एक्टिविटी है उसके बारे में आप लोग को पता चल जाएगा, और जो कुछ भी है उसके लिए आप लोग को जुड़े रहना पड़ेगा व मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके साथ में जितने बार जितना हो सके मैं आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे पेंटिंग दिखाई दिया, बहुत सारे अच्छे अच्छे बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट ने लेकिन पीछे इतना स्कल्पचर अच्छा किया, यहाँ पर भी बहुत सारे अच्छा काम किया है। मैं और एक दिखाता हूँ, पीछे देखो लैंडस्केप क्या है,
इस आर्टिस्ट का नाम है श्रीहरि जो बहुत अच्छा वाटर कलर में काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ये काम वाटर कलर में है, बहुत अच्छा है। इधर भी देखो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, इम्प्रेसिव काम है, बहुत अच्छा है। और पीछे भी देखो, मुझे सबसे अच्छा जो काम लगा है वो वाला, ये वाला काम मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। पीछे भी और भी बहुत सारे काम है, ये वाला एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये जो मेरी पेंटिंग बहुत अच्छा है, सिलीगुड़ी का आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा काम है। सर जो है ये रतिंदा, ये दिनहाटा की आर्टिस्ट लोग हम लोग ओके। अभी सब आर्टिस्ट लोग हम लोग मिलके फोटो शूट करेंगे बाहर। यहाँ पर जो गैलरी का जो फ्रंट व्यू है वो देखो बहुत अच्छा है। यहाँ पर सब बैठेंगे, बहुत अच्छी तरह से सब फोटो वगैरह खींचेंगे, तो आप लोग भी देखो। अभी हम लोग फोटो शूट किए तो यहाँ पर हो गया। आप लोग को मैं जितना हो सके एग्जीबिशन का फुटेज, सिनेमेटिक व्यू सब कुछ दिखाया। आप लोग जरूर एग्जीबिशन, अगर पेंटिंग को पसंद करते हैं, कलाकार को पसंद करते हैं, तो आप लोग को जरूर आना पड़ेगा। जो जो लोग जलपाईगुड़ी के अंदर रहते हैं या साइड नियरेस्ट रहते हैं, कुछ भी हो, बेलाकोबा हो, वो लोग आइए। विपुल दा सिलीगुड़ी आर्टिस्ट, खूब भलो छवि आके हम छवि देखे जी ब्लॉगे, तुम अवश्य सबाई शेयर करो, सब्सक्राइब करो अवश्य, তার সাথে আমারটাও করে দিও অবশ্যই লিংক দেবে আমি শেয়ার করে দিব। ঠিক আছে, আপ লোক জরুর উসকা ভি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করনা, পেইন্টিং কে বারে জিতনা ভি হো সকে মে আপ লোগো কে সাথ জানকারি শেয়ার করতা রহুঙ্গা। ওকে ঠিক আছে, ইয়াহ পর বাকি আজ কা ব্লগ এই পে, एग्जीबिशन का जितना तक दिखाना था यहीं पे दिखाते हैं। अभी बात करते हैं बाकी आर्टिस्टों के साथ। चलो गाइस, अभी एग्जीबिशन खत्म हो गया, मतलब मेरे लिए खत्म हो गया। मुझे बहुत दूर जाना है, सिलीगुड़ी पे रिटर्न करना है, इसलिए मुझे अभी निकलना पड़ रहा है। अभी 7:15 हो गया है, तो मैं अभी निकलूँगा। तो ठीक है, फिलहाल अभी के लिए अभी घर पर जाते हैं, अगले दिन फिर से आएंगे। संडे तक एग्जीबिशन टिल रहेगा। सिलीगुड़ी के लिए निकल चुके हैं, अंधेरा हो गया है, तो हम लोग जल्दी जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं। और भूख भी लगी है थोड़ा, तो अगर सामने कोई रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएगा या कोई ढाबा तो वहाँ पर रुक जाएंगे, थोड़ा खाना खाएंगे। फाइनली हम लोग सिलीगुड़ी पहुंच गए हैं, भूख लग गया है, देखते हैं मोमो खा लेते हैं। ये देखिए हम लोग आ गए मोमो खाने के लिए, थोड़ा सा भूख लग गया। तो आज ही फ्रेंडों के पास सुना है कि यहाँ का मोमो बहुत अच्छा बनता है। ये है नौका घाट में, सिलीगुड़ी के नौका घाट में एक छोटा सा दुकान है। ये रही फिर से मोमो, स्ट्रीट पे फिर से मोमो खा रहे हैं हम लोग। सच में बहुत ही अच्छा है, अगर आप लोग सिलीगुड़ी के लाने वाले हैं तो हम जरूर कहेंगे एक बार आके यहाँ पे ट्राई कीजिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। जो भी था आज का ब्लॉगिंग, हाँ मैंने आप लोगों को ओपनिंग से दिखा नहीं पाया, एग्जीबिशन का ओपनिंग दिखा नहीं पाया। जो भी था मैंने दिखाया, जैसे भी हुआ सिंपल सा मैंने आपको दिखाया, जैसा मेरा लाइफ है ऐसे सिंपल से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप लोग अगर नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए और कोई ब्लॉग पर।